तरह तहसीलदार संग्रह द्वारा दुकानदारों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं और बाजार का निरीक्षण किया जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं एसडीएम कार्यालय के कर्मचारी और स्थानीय पुलिस कर्मियों को लोगों को मास्क लगाने के निर्देश देते हुए इस तरह सभी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने और मास्क लगाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इस तरह आप देख सकते हैं यूको बैंक में हर आने जाने वाले का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है अथवा इंफ्रारेड थर्मामीटर से स्क्रीनिंग की जा रही है। इस तरह बस में यात्रियों को डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने को कहा जा रहा है पुलिसकर्मी द्वारा, हालांकि इसके बावजूद लोग लगातार चढ़ रहे हैं और एक अन्य बस यहां खड़ी है। अब देख रहे हैं बार बार शॉप अथवा सैलून में काम करते हुए स्थानीय बार को तो इस तरह सभी सावधानियों का पालन किया जा रहा है जैसा ट्रेनिंग के दौरान इन्हें निर्देश दिए गए थे। राजस्थानी तहसीलदार द्वारा भी निरीक्षण किया गया यहाँ दुकान होता है। एक अन्य बार्बर शॉप अथवा नाई की दुकान है तो इस तरह प्रशिक्षण के दौरान इन्हें एप्रन पहनने और ग्लव्स लगाने के निर्देश दिए गए थे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सावधानी बरती जा रही है। बसों की आवाजाही भी जा रही है, हालांकि बड़ी कम बसें चल रही है और आप देख सकते हैं बसों में सवारियां देखी जा रही है और बस अड्डा बाजार सगड़ाहा में सोमवार के बावजूद आज लोगों की ज़्यादा आवाजाही अभी तक नहीं दिख रही है। 10 बज चुके हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं बैंक खुल गए हैं, हालांकि इन बैंकों के बाहर आज अन्य दिनों की तरह लाइनें अथवा ज़्यादा संख्या में लोग नहीं दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बैंकों और दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ मार्किंग भी की गई है, हालांकि इन गोलों में अब लोग खड़े नज़र नहीं आते हैं। तो इस तरह पुलिसकर्मी भी मौजूद है यहाँ पे ड्यूटी पे और लोगों का आना जाना लगा हुआ है। लॉकडाउन का आज 91 दिन हो चुके हैं, हालांकि अनलॉक 1 का दौर चला हुआ है। क्षेत्र में बसें नाम मात्र की चल रही है और यहाँ चलने वाली लोकल बस जो दर्जन भर गाँव को जाती है पिछले 3 माह से नहीं चली है और 2 दर्जन गाँव में पिछले 3 महीने से एक भी बस नहीं पहुँची है जहाँ सिंगल बस चलती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ लोग बिना मास्क के भी नजर आ रहे थे और अभी खरीदारी का दौर चला हुआ था, लोग बाजार की तरफ आ रहे हैं। इस तरह से आवाजाही जारी है। इस तरह परिवहन निगम की बस पहुंची है कभी और बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। परिवहन निगम की कर्मियों के अनुसार संगड़ा से ये बस हरिद्वार जाएगी और अभी नाहन से यहाँ पहुंची है। इस तरह देख सकते हैं लोग आ जा रहे हैं और बसों में निर्धारित सीटों पर ही यात्री बैठे हैं। क्षेत्र में बहुत कम बसें चल रही अभी HRTC की और इस तरह बैंक के बाहर अब सामान्य से ज़्यादा लोग देखे जा रहे हैं और पुलिसकर्मियों द्वारा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के लिए कहा जा रहा है। अब अपने आप ही तैयार करना है इसके टेलर आप ही। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छी सीमेंट है आपकी।
दोनों बैंकों की एटीएम मशीनें कई महीनों से बंद होने के चलते यहाँ सामान्य से ज़्यादा लोग देखे जाते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं लोगों की आवाजाही जारी है। और ये परिवहन निगम की बस है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग की गई है। तो इस तरह से तय स्थानों पर ही लोग बैठे हैं। Thank you.